वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस कुकिंग पैशन। आज हम कड़ी पकोड़ा बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए शुरू करते हैं, इसे कैसे करके बनाते हैं। इसके लिए पहले हम घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कप बेसन लिया है। बेसन को एक बर्तन में निकाल के ले लिया है। तो अब हम इस बेसन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने अच्छे से मिला लिया है। तो ये देखिए, ये हमने अच्छे से इसको मिला लिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कप दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है, फिर हम इसमें डाल दिया है, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो अब इसमें और पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दो कप पानी डाला है, ऐसे 3 कप। तो फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे और एक छोटा कटोरी में 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना। और यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च है इसीलिए हमने 2 चम्मच डाला है। और अब हम यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम पकोड़े के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया है, और इसमें हमने प्याज, आप चाहे तो प्याज को स्किप कर सकते हो, हमने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज को ऐसे चॉप कर लिया है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। अब हम इसमें 2 ग्रीन चिली, इसको हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना। और अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते, तीखी वाली लाल मिर्च है, थोड़ा सा हमने डाला है। अब अपनी पसंद के अनुसार मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे। ये देखिए, दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, इसको भी हम डाल देंगे, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने पहले सूखा ही थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमने दही की जो पानी है, दही वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको हम हाथ से ही मिला लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। ज़्यादा पतला हम नहीं करेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी हम नहीं करेंगे। ये देखिए, तो ठीक इसी कंसिस्टेंसी में हम रखेंगे इसे। तो इसमें हमने हल्दी नहीं डाला है, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी कंसिस्टेंसी में हम इसको रख देंगे। तो इसको हम अब थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके इसमें हमने 2 टेबलस्पून तेल दे दिया है। तेल को गर्म कर लेंगे थोड़ा सा, गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। और अब हम इसमें हींग डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 पिंच हींग लिया है, इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा हमने जीरा लिया है, यहाँ पे हमने 1/2 छोटी चम्मच जीरा लिया है। और थोड़ा सा हम मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, इसको हम डाल देंगे। और इसको हम हल्का सा तेल में भून लेंगे। इसमें हम 1 सूखी मिर्च डालेंगे। ये देखिए, सूखी मिर्च,
इसको हमने हल्का सा बीच में से तोड़ लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम जो मसाले हमने पीस कर रखा था, मिक्स करके रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें इसी वक्त अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, तो हम इसमें अभी अदरक लहसुन नहीं डालेंगे, ये बाद में डालेंगे। आप देखते रहना, ये देखिए कि हमने इसको मिक्स कर लेंगे मसाले को। तो मसाले की कटोरी में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके हम इसमें इसको डाल देंगे। तीवी के हल्का सा पानी हमने इसमें डाल दिया है ताकि मसाले जो है वो जले ना। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से हल्का सा तेल ना निकल आए। तो ये देखिए मसाले से हल्का सा तेल अलग होने लगा है। तो अब इसी टाइम पे जो बेसन के घोल हमने तैयार करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। ये देखिए बढ़िया कलर भी आ गया है इसी टाइम पे। तो इसको हम अब उबालने देते हैं। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और इसको हम बहुत अच्छे से हम पकाएंगे। आप चाहे तो इसमें और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे। ये देखिए इसमें फिर से उबाल आ गया है, तो इसको हम बीच बीच में चलाते जाएंगे। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा ढक कर के पकाएंगे, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं और बीच बीच में हम इसको चला लेंगे। ये देखिए बीच में हमने इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और बहुत बढ़िया कलर भी आ गया है। तो अब हम इसी टाइम पे जो अदरक लहसुन है उसकी पेस्ट डालेंगे। आप एक बार ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए हमने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल देंगे, फिर इसको हम फिर से उबाल लेंगे। तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। तो ये जब तक उबाल रहा है हम इसमें पकोड़ा तल लेते हैं। तो पकोड़े के लिए हमने पैन पे थोड़ा सा तेल ले लिया है, इसको हमने डीप फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम पकौड़ा तल लेते हैं। तो तेल में हम थोड़ा थोड़ा प्याज और बेसन की जो बैटर हमने तैयार करके रखा था वो हम डाल देंगे। तो ये देखिए ये नीचे से हल्का सा सिक गया है, तो अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए देखिए कितना बढ़िया कलर आया है नीचे से। सारे पकोड़े हम ऐसे पलट देते हैं और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके हमने इसे सेक लेते हैं। तो ये देखिए पकोड़ा हमारा हो गया है, अब हम इसको हम निकाल लेते हैं और ऐसे करके हम बाकी जो है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो पकोड़ा तलना हमारा हो गया है और इस साइड में जो कड़ी है वो देखिए उबालते उबालते बहुत ही गाढ़ा हो गई है। तो इसको हम फिर से चला लेंगे, इसको हमने बीच बीच में चलाते गए हैं। तो अब इसमें हम हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। ये हमने घर पे बनाई हुई ये गरम मसाले, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है।
अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको। तो कढ़ी हमारा अच्छे से पक गया है, हो गया है। तो अब हम इसी टाइम पे जो पकौड़े हमने तल कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। फिर इसको हम अच्छे से मिलाकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सर्व कर लिया है। बहुत ही देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बना है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना और कैसे हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और वीडियो को एंजॉय कर सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।